अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कैसी होम रेमेडी जिसके एक ही दफ़ा के इस्तेमाल से आप अपने हाथों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना सकते हैं और आपके हाथ बहुत ज़्यादा गोरे हो जाएंगे। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ इस रेमेडी में दो स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप होगा स्क्रबिंग का और सेकेंड स्टेप है हैंड मास्क का। चलिए तो आपको हम बताती हूँ ये बनाना किस तरह। हैंड स्क्रब के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है, एक सॉफ्ट बोल ले लेना आपने, इसमें एक चम्मच आपने चीनी ऐड करनी है, एक चम्मच चीनी ऐड कर ली। आप इसमें जैतून का तेल वो भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास जैतून का तेल नहीं है तो आप इसमें बादाम का तेल है वो भी ऐड कर सकते हैं। आप इन दोनों में से कोई भी तेल जो वो इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें बादाम का तेल है वो ऐड कर रही हूँ। एक चम्मच आपने इसमें बादाम का तेल वो ऐड कर लेना है। और एक चम्मच आपने इसमें हनी ऐड करना है। इनको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह। टी स्पून जो आपने इसमें लेमन का जूस है वो ऐड करना है। इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और 4 से 5 मिनट आपने अपने हाथों पर इसे स्क्रब करना है। मैंने अपने हैंड वॉश कर लिए, अब हम लोग सेकेंड स्टेप है वो फॉलो करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए एक चम्मच आपने इसमें आटा इस्तेमाल करना है, जो सिंपल आटा जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं रोटी बनाने के लिए वो वाला आटा आपने इसमें इस्तेमाल करना है। एक चम्मच ये ऐड करना है, एक चम्मच हनी ऐड करना है इसमें, एक चम्मच आपने इसमें जैतून का तेल वो ऐड करना है। सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेना और अपने हाथों के ऊपर अप्लाई करना है। दस से 15 मिनट ये जो है ना आपने अपने हाथों के ऊपर लगा रहने देना है और साथ में आपने कोई से भी ग्लव्स लेके वो पहन लेने हैं 15 मिनट के लिए। ये मास्क मैंने अपने हाथों के ऊपर अप्लाई कर लिया, मैंने ग्लव्स पहनूंगी दोनों हाथों पर, आपने ग्लव्स पहन लेने 15 मिनट के लिए। ग्लव्स मैंने पहन लिए और ये 15 मिनट के लिए मैं इस ग्लव्स को पहन के रखूँगी। 15 मिनट के बाद ये ग्लव्स उतार लूँगी और अपने हाथों को वॉश कर लूँगी। देखिएगा मेरे हाथ कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और वाइट हो जाएंगे इस मास्क के साथ। 15 मिनट के बाद अब ये मैं ग्लव्स उतारूंगा। आप
नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।